स्टूडेंट्स, आज लास्ट टू डेज का टॉपिक आपके सामने है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट की तरह बहुत बार देखा गया है कि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है लास्ट टू डिजिट से। इसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे सामने कोई भी एक नंबर दिया रहेगा, कोई भी बहुत बड़ा एक नंबर दिया रहेगा, उसका पावर भी रहेगा, कितना बड़ा है छोटा है वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना। जैसे कि आपके सामने मान लीजिए लिखा हुआ है 4, 6, 7, ये नंबर है, इसका पावर दिया हुआ है 76। इसको सॉल्व करके इसका जो लास्ट टू डिजिट, सॉल्व करोगे आप कुछ नंबर आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप कुछ नंबर आएगा, तो मुझे ये सारे नंबर क्या आएंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे देखना है कि जो लास्ट का टू डिजिट है ये और ये, वो क्या आता है, मुझे वो फाइंड करना। लास्ट टू डिजिट मतलब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट का टू डिजिट क्या आएगा। पिछले वीडियो में मेरा लेक्चर जो था उसमें मैंने लास्ट डिजिट के बारे में बताया था, उसमें क्या था कि मुझे ये फाइंड करना था लास्ट डिजिट। लेकिन इसमें क्या करना है, मुझे ये तो निकालना ही है, साथ साथ ये भी निकालना है, ये दोनों क्या आएगा, मुझे वो फाइंड करना है, मुझे उसकी ट्रिक देखने क्या होता है। तो देखते हैं क्या होगा। उसके लिए क्या करना है, पहले मुझे 1 से लेकर 25 तक के नंबर का स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, इसको आप बार बार यूज करोगे ही करोगे। अगर ये याद रहेगा तो आप फटाक से लिख लोगे, अदरवाइज़ आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत रहेगा। क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको 23 का स्क्वायर याद नहीं है, तो आप 23 × 23 करोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा ही लगेगा, 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको याद कर लेना है। याद करने का, अगर बाय द वे याद भी किए हो फिर भी आप भूल गए हो, तो उसका एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं जिसमें आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट मतलब नहीं, मतलब 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है, देखिए क्या करते हैं, मुझे निकालना है 23 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको एक्सप्रेस कर देंगे हम 20+3 का स्क्वायर, मतलब 20+3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, a+b का फॉर्मूला हो गया। अब a+b का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसको इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं, a यहाँ पे क्या है 20, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2ab मतलब 2 × 20 × 3 मतलब लिख ही देते हैं 2 × 20 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9। तो क्या हो गया 400 प्लस ये सो कहेंगे 20 × 3 = 60, ये 120 हो गया, अब प्लस 9 इसको आप ऐड करोगे तो 529 आ गया, जो कि 23 का स्क्वायर है 529। तो इस मेथड से भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट आप 1 से लेकर 25 तक याद कर लेना, ये एक सिंपल a+b का होल स्क्वायर बेस्ट है, इसी से ये फॉर्मूला बना। अब देखते हैं कि हम बाकी सब नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको 1 से 25 तक के नंबर का स्क्वायर याद है, अब मुझे लास्ट टू डिजिट सीखने के लिए पहला काम क्या करना है, मुझे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट लिखने आने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक के नंबर के। तो 1 से लेकर 25 तक तो मुझे याद ही है, अब 26 से 100 तक हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा एक पैटर्न है, देखते हैं। हमको 1 से लेकर 100 तक का नंबर का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट दिखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस नंबर को हम टोटल 4 पैकेट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, पहला पैकेट में हो जाएगा मेरा 1 से 25, दूसरे में 26 से 50, तीसरे में 51 से 75 एंड चौथे में 76 से 100। हम क्या किए हैं, इस नंबर को टोटल हम 4 पैकेट में डिवाइड कर लिए अलग अलग रेंज में। अगर मुझे जो नंबर दिया हुआ है वो इस रेंज का है, तो उसका तो स्क्वायर निकल हम जानते हैं, वो तो मुझे याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इस नंबर में दिया है, मतलब इस रेंज में नंबर मुझे कोई दिया है, उसका स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट मुझे लिखना है, तो हम क्या करें, 100 तक के नंबर को हम 4 रेंज में डिवाइड किए हैं। अगर इस रेंज में मुझे नंबर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद है लिख देंगे। और अगर इस रेंज में मुझे नंबर मिलता है तो इसको हम 50 - x के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, 50 - x के फॉर्म में लिख देंगे। और अगर इस रेंज में मुझे नंबर मिलता है तो हम इसको हम 50+x के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर इस रेंज में मुझे नंबर मिलता है तो हम लिखेंगे उसको 100 - x के फॉर्म में। ये क्लियर है, इसमें दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें देगा तो 50 - x, इसमें देगा तो 50+x, इसमें देगा तो 100 - x। अगर मुझे इसमें इस रेंज का कुछ नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल। अगर बाय द वे आप 33 का स्क्वायर मुझे निकालने के लिए बोलते हो, तो अगर इस रेंज में हम लिखेंगे तो क्या होगा, 50 - क्या हो जाएगा, 50 - 70 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो या फिर सिंपल x² को सॉल्व करो, बात बराबर है।
का होल स्क्वायर सॉल्व करो या फिर एक्स स्क्वायर निकालो, दोनों का जो लास्ट टू डिजिट वो बराबर आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 50 माइनस 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम सिर्फ 70 का स्क्वायर निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है 70, तो 70 का स्क्वायर निकाल देंगे जो लास्ट। अब 70 का स्क्वायर क्या होता है 289, इसका लास्ट टू डिजिट क्या आ गया 89। स्क्वायर क्या आ गया 289, तो मुझे लास्ट का टू डिजिट देखना है तो 89। इसका मतलब क्या होगा कि 33 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसका भी लास्ट टू डिजिट 89 ही आएगा। सेम वे में अगर मुझे कोई नंबर इस रेंज या इस रेंज का दिया हुआ है तो उसका मुझे स्क्वायर निकाल लास्ट टू डिजिट निकालना है, तो हम क्या आराम से इसी वे में हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, मुझे मान लीजिए 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट निकालना है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको हम स्पेस कर देंगे 100 माइनस एक्स में। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करें जो मुझे 88 देगा, तो क्या करेंगे 12 मतलब 100 माइनस 12 करेंगे तो 88 आएगा, ये क्लियर है। अब मुझे इस पूरे को सॉल्व ना करके सिर्फ मुझे 12 का स्क्वायर निकाल देना है, ये एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू का स्क्वायर निकाल देना है। अब इसको स्क्वायर क्या आता है 144, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ टॉपिक है लास्ट टू डिजिट, तो हम इसको पूरा ना लिख के लिखेंगे सिर्फ 44। तो ये 88 का अगर स्क्वायर करेंगे तो जो लास्ट का टू डिजिट आएगा वो 44 आएगा। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट निकालना सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब तक हम लोग क्या किए हैं 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर के सारे नंबर के, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 तक ही बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो 101 100 से आगे ही बोल सकते हो, उसका भी सेम पैटर्न में चलेगा। अगर बाय द वे 124 है तो सेम वे में 100 प्लस 24 का कर लेंगे, ऐसे वे में हम 24 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि क्या होता है 576 होता है, तो लास्ट का 276 आ जाएगा। तो सेम वे में आप 100 से अलग कभी कर सकते हो, लेकिन उतना बड़ा डिजिट कभी यूज जल्दी नहीं करना होता है, वो साइंस इसी के फॉर्म में सॉल्व हो जाता है। तो आप अब हर एक नंबर का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट निकालना सीख गए हो। अब आते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग 0 1 5 3 7 9 ये इस डिजिट्स मतलब वैसा बेस जिसका लास्ट डिजिट ये सब नंबर होगा उसका हम लोग पावर का सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे कि क्या आता है उसका लास्ट टू डिजिट क्या आता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2410, ये नंबर है इसका पावर है 12104, ये मुझे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, इसका लास्ट डिजिट मतलब बेस का लास्ट डिजिट क्या है 0 है। जब मुझे वैसा नंबर दिया हो जिसका बेस का लास्ट डिजिट 0 है और उसका पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, ये तो हम लोग यूनिट डिजिट में भी पढ़े थे कि अगर किसी भी नंबर का बेस का लास्ट डिजिट 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। तो यूनिट डिजिट नहीं, इसका लास्ट टू डिजिट जो होगा वो भी 0 ही आएगा। सिंपल सी बात, इसको आप सॉल्व करके देख भी लोगे कि 0 है तो इसको इतना मल्टीप्लाई करोगे बहुत सारे टाइम्स 0 आएगा। तो वैसा नंबर जिसके बेस का लास्ट डिजिट 0 हो तो उसका लास्ट टू डिजिट भी 0 ही आता है, ये 0 वाला क्लियर हो गया। सेम वे में अगर हम इसका निकालेंगे तो 241050 पावर 121 ये भी आएगा 0 0, 12132 इसका पावर करेंगे तो 121 इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा 0 0, तो ये 0 वाला क्लियर हो गया। मतलब अब मुझे इससे रिलेटेड कोई नंबर देगा हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 1 पे, मतलब वैसा नंबर जिसके बेस का लास्ट डिजिट 1 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है नंबर 1241, इसका मुझे दिया है, अब यहाँ पे लिखा है 124, इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट का डिजिट टू डिजिट क्या आएगा मुझे ये बताना है। इसका एक फार्मूला है, देखते हैं क्या हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, से लास्ट टू डिजिट ऑफ आई थिंक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या, मान लीजिए मुझे एक ऐसा नंबर दिया हुआ है लास्ट डिजिट ऑफ, ये नंबर क्या है मतलब लास्ट में लास्ट डिजिट है 1 और इसके पीछे कोई नंबर है, यहाँ पे नंबर है
वन लास्ट डिजिट है और इसके पीछे जो नंबर है इसके वन के जो जस्ट पीछे वाले नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। और बाकी मुझे इससे बाकी जो पीछे नंबर है मुझे इससे कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों पे फोकस करना है। लास्ट डिजिट वन है मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है, उसके पीछे वाले नंबर को हम लोग एक्स बोल रहे हैं। और पावर में देखेंगे पावर का जो भी रहेगा जितना भी पावर में रहेगा तीन टर्म या चार टर्म या दो टर्म डजंट मैटर, उसका जो लास्ट डिजिट है वाई उस पर फोकस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वाई। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स मेरा क्या हो गया फोर, वाई क्या हो गया फोर, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आता है, ये पीछे भी नंबर आएंगे बहुत सारे, इसको क्या करेंगे वन लिख देंगे लास्ट में एंड इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो मेरा आंसर क्या आ गया ये दोनों नंबर आ गया। इसे इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में x क्या है मेरा 4, y भी क्या है 4, तो सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा, इसको अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा, लास्ट डिजिट तो 1 ही रहेगा। ये कैसे होगा, आप लास्ट डिजिट में देख सकते हो कि जब जिस क्वेश्चन में बेस के लास्ट डिजिट 1 होते हैं उसका वैल्यू चाहे उसका पावर कुछ भी रहे उसका लास्ट डिजिट तो 1 ही आता है। मुझे अब सेकेंड वाले को निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इधर क्या आएगा मुझे इसको मतलब नहीं है, मुझे ये निकालना है कि ये सेकेंड वाला डिजिट क्या आएगा, मुझे ये निकालना है कि ये क्या होगा। तो क्या करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई को, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स क्या है मेरा 4, वाई है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट का 2 डिजिट आएगा वो 61 आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन से बेस्ट बना लेते हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन बना है ये इस रिजल्ट पे बना है, मतलब क्या करना है मुझे वैसा नंबर देखना है जिसके लास्ट में वन, लास्ट डिजिट जो बेस है उसका लास्ट डिजिट 1 हो और उसके पीछे के नंबर को हम एक्स बोलेंगे, अब पावर में जो लास्ट डिजिट को वाई बोलेंगे, और लास्ट डिजिट तो 1 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट डिजिट होगा उसको आप लिख देंगे, तो ये मेरा हो गया लास्ट 2 डिजिट। एक क्वेश्चन इस पर हम बना ले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया है क्वेश्चन 1, 2, 4, 1, यहाँ दिया है 1, 2, 6। अब मुझे इसका वैल्यू निकाल के निकालना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, तो जानते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे x क्या है, x मेरा है 4, y क्या है, y है मेरा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 4 = 24, हम 1 तो लिख चुके हैं लास्ट डिजिट, इसका क्या करेंगे सिर्फ 4 लिखेंगे तो 4 हो गया आंसर, इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 41 आ जाएगा। सेम वे में अगर हम मान लीजिए यहाँ पे दिया है मुझे 1, 8, 1, इसमें क्या आएगा लास्ट में तो 1 होगा, एक्स यहाँ पे क्या है 4, वाई क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या हो गया 41। तो आई थिंक 1 से अब सारा प्रॉब्लम जितने भी तरह के 1 से क्वेश्चन आएंगे आराम से लास्ट 2 डिजिट के सॉल्व हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 5 पे, 5 को कैसे लिखते हैं कि वैसा नंबर जिसके बेस का लास्ट डिजिट 5 हो और पावर कुछ भी हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए दिया है मुझे 1, 2, 3, 5, ऊपर में दिया है 1, 2, 4, मतलब इसको सॉल्व करने पे लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, मुझे ये देखना है लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा। इसका भी एक रूल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 बच्चे हैं, ये कैसा नंबर है, जो 3 है ये कैसा नंबर है, ये हम जान रहे हैं ऑड नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर। तो इस तरह के केस में टोटल 4 पॉसिबल होंगे, ये तो 5 तो 5 ही रहेगा, तो हम 5 का लेकर चल रहे हैं तो 5 ही रहेगा, मुझे देखना है ये दोनों पे ये दोनों कैसा नंबर है, अगर ये ऑड है और ये इवन है। सेम वे में अगर एक केस और हो सकता है कि ये ऑड रहे और ये भी ऑड रहे, मतलब टोटल 4 केस पॉसिबल होंगे, एक बार ये ऑड होगा इवन होगा, ऑड होगा इवन होगा, फिर ऑड होगा ऑड होगा, फिर अब इवन होगा ऑड होगा इवन फिर इवन, ये 4 केस टोटल पॉसिबल होंगे। तो मुझे एक रिजल्ट क्या है कि अगर ये दोनों केस में ऑड रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, अब ये कैसा नंबर हो गया ऑड, मतलब वैसा नंबर हम लिए हैं जिसका लास्ट डिजिट है 5 है और इसके 5 के सेकेंड लास्ट डिजिट है वो भी ऑड है और उसके पावर का जो लास्ट डिजिट है वो भी ऑड है, मतलब दोनों अगर ऑड रहेंगे तो आंसर सिर्फ 75 ही आएगा। ये रिजल्ट है जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 75, मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 75 जब दोनों के दोनों ऑड रहेगा। अब बाकी दावे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2, 5 या 1, 2, 6, इसमें क्या है, ये भी इवेन है ये भी इवेन है, ये जो नंबर ये भी इवेन है ये भी इवेन है, तो उस केस में
इसको छोड़ के जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर लास्ट डिजिट आएगा 25, मतलब अगर दोनों केस में ऑड रहा तो आएगा 75, और अगर ये दोनों में से कोई भी चेंज हुआ और तो जगह इवन होगा तो आएगा 25। जैसे कि मान लीजिए एक और होता है मेरा, क्या 1 2 3 5 1 2 2, इसमें क्या है यहाँ पे ये ऑड है और ये क्या है इवन है, तो इस ये केस नहीं है, दोनों केस रहता है और तब होता है 75। तो इसको छोड़ के जितना भी केस होगा उसमें आएगा आंसर 25, लास्ट का टू क्या आएगा 25। एक केस और मिला तेरा जुटता है 1 2 2 5 1 2 2, यहाँ भी इवेन है यहाँ भी इवेन है, तो क्या आ जाएगा 25। मतलब इस टोटल इस जो 5 से टोटल 4 केस मेरा बनेगा, 4 केस, मतलब पहला केस क्या होगा अगर दोनों ऑड रहेगा, 5 के 5 से पीछे वाला नंबर और 5 का जो पावर है, मतलब इस पूरे नंबर का जो पावर है उसका लास्ट डिजिट अगर दोनों ऑड होगा तो केस तो आंसर आएगा मेरा 75, और अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड नहीं रहा या दोनों इवेन रहा तो आंसर आएगा 25। तो आई थिंक 5 से अब जितने भी नंबर होंगे सेकेंड लास्ट टू डिजिट वाले आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और 5 वेस्ट पे, जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है 1 2 4 3 5, हमें दिया है 1 2 1, क्या आंसर आएगा ऑड है, ये भी ऑड है 75। इसको हम चेंज करते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं 1 2 4 3 5, लिख दिया 1 2 2, इसमें क्या आंसर आएगा ऑड है इवन है 25। अब मान लीजिए ऐसे हो गया तो भी क्या आएगा, अभी भी 25 आएगा, अब क्या आएगा ये अब 75 हो जाएगा, और अब मान लीजिए ये दिया हुआ तो भी 75 हो जाएगा। तो इस केस आप आराम से सारा क्वेश्चन इस पर बस पर ट्राई कर सकते हैं। तो अब मेरा 0 हो गया है, 1 हो गया है, 5 आ गया, अब आते हैं 379। इतना है कि 379 क्या केस होता है, तो मुझे कि चेक करना है इसमें के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया है टोटल 379, ये सबका केसेस सिमिलर है, मुझे क्या करना है कि पहले 3 का पावर करना है, 3 का पावर करने पे फर्स्ट टाइम लास्ट डिजिट 1 कब आता है मुझे वो चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए आप 3 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, क्यूब करने तो जाएगा 27 आ जाएगा, 4 पावर करेंगे तो लास्ट में आएगा 81। तो मतलब हमको देखना यही देखना है कि 3 का कितना पावर हम करें कि उस फर्स्ट टाइम कितना पावर करें कि उसका लास्ट डिजिट 1 आए, तो मेरा 4 करने पे 81 आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। सेम वे में मुझे 7 का निकालना है, तो 7 का हम भी हम 4 पावर करेंगे तो आ जाएगा 2401 लास्ट डिजिट 1, और सेम वे में अगर 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 81, लास्ट डिजिट आ रहा है 1। इसका मतलब हम 3 का पावर 4 कर रहे हैं तो 81 आ रहा है, 7 का पावर 4 कर रहे हैं तो उसका भी लास्ट डिजिट 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहा है उसका लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। तो टोटल ये चीज़ हम पहले इसको हम फाइंड कर लिए। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब वैसा क्वेश्चन लेंगे जिसका बेस का लास्ट डिजिट 3 हो, पावर कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 133, पावर दिया है 72, ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, इसका बेस का लास्ट डिजिट है 3, पावर कुछ भी दिया है, इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग पहले हम थोड़ा कोशिश करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसको पहले मुझे कितना डिजिट करने पे, कितना पावर करने पे मुझे 81 आ रहा है, मतलब लास्ट का डिजिट 1 आ रहा है 4 पावर करने पे, तो इसका हम 4 पावर करें। एक काम और ध्यान यहाँ रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे 3 डिजिट दिया हुआ है तो मुझे क्वेश्चन है लास्ट 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट ना लिखे सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन हम इस फॉर्म में ट्रांसफर कर लेंगे। मुझे यहाँ पे आगे में कितना डिजिट भी है मुझे उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, मतलब इसका पावर करेंगे, मतलब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 पावर करने पे 81 आता है, मतलब लास्ट का डिजिट 1 आता है, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 72 क्या आएगा 4, ये आ गया 3 2, मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, मतलब छठी, मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 4 स्क्वायर करने पे, अब इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3, मतलब 33 का मुझे पावर 4 कर लिए हैं, अब हम क्या करें इसको 33 स्क्वायर इंटू 33 का स्क्वायर, इस 4 पावर को हम लोग दो दो में स्प्लिट कर दिए, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे इसमें 33 का स्क्वायर देखेंगे, निकालने आता है, हम बताए हुए थे आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। तो 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे 50 माइनस 70 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 70 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 289। तो एंगल लास्ट में आप सिर्फ लिखेंगे 89। तो क्या आ गया यहाँ पे 89 आ गया, यहाँ भी आ गया 89। अब ये हो गया पावर 18, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 89 का क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है। फिर हम निकालेंगे 89 का स्क्वायर। अब 89 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 माइनस 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, मतलब लास्ट डिजिट हो गया 21। तो क्या हो गया ये 21 का पावर 18 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इतना सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ गया है। अब इसको देख के क्या लगता है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा हम लोग, बिल्कुल नहीं। ये मेरा एक 1 वाला फार्मूला में कन्वर्ट हो गया है एक्स वाई फार्मूला में। ये क्या है, लास्ट डिजिट 1 है, ये क्या है मेरा x है, ये क्या है y है। इसको निकालेंगे क्या करेंगे, लास्ट डिजिट तो 1 आएगा, ये मेरा x, ये y, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 का लिखेंगे लास्ट डिजिट 6, तो ये हो गया टोटल 61। तो मतलब इस वैल्यू का लास्ट 2 डिजिट आएगा सिर्फ 61। क्लियर आई थिंक। सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखिए क्वेश्चन मेरा 3 का था। हम जानते हैं कि 3 का पावर 4 करने पे ही फर्स्ट टाइम लास्ट डिजिट 1 मिलता है मुझे, इसीलिए हम क्या किए, इस पूरे नंबर को हम, इसका जो रिमाइंडर, इसका जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड किए। अब 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में हम लिख दिए, ठीक है। उसका क्या किया, उसके बाद हम क्या किए हैं, इस 4 को हम लोग 2 × 2 स्प्लिट कर दिए, मतलब इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद 33 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, तो उस फॉर्म से हम निकाले थे 33 का स्क्वायर, क्या कितना आया था 89 आया था, इसका भी निकाले तो कितना है 89 आया। अब ये भी 89 का स्क्वायर बन गया है, अब इसको भी सॉल्व किए तो आ गया 21 इस फॉर्मूले से, एक्स वाई का स्क्वायर फॉर्मूले से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये एक्स वाई का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, तो लास्ट डिजिट 1 है, ये एक्स ये वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 16 तो 16 होगा। तो ये फॉर्म से सिर्फ ये टर्म लिखेंगे हम लोग, 61 हो गया इसका सॉल्यूशन, लास्ट हो गया। तो आई थिंक ये स्टेप आप क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 70 के लिए, मेरे पास क्वेश्चन है 157 पावर 121। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब ये देख रहे हैं इसका बेस क्या है, बेस का लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का पावर 4 करना पड़ेगा, तो 2401 होता है, मतलब 4 पावर करने पे फर्स्ट टाइम मुझे 1 मिलता है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लास्ट से 57 लिख लेंगे और ये 121। अब क्या करेंगे हम, इसका जो रिमेन पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, इसको 4 लिखेंगे इस फॉर्म में, हम लिख सकते हैं क्या, 4 3 12 120 और प्लस 1 121 120 आ गया। तो इस फॉर्म में हम आराम से इसको लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि 4 पावर करने पे फर्स्ट टाइम मुझे 1 मिल रहा है। अब क्या करना है मुझे, इसको स्प्लिट कर देंगे 57 लास्ट की तरह, 50 का 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 57 का स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा पावर 30 × 57। सेम वे में हम 57 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 50 + 7 का स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 49 आ गया। तो ये क्या हो गया 49 × 49 पावर 30 × 57। अब ये क्या हो गया 49 का स्क्वायर हो गया है इंटू 57। अब ये 49 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 50 - 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 आ गया, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट लिखना है मुझे। यहाँ क्वेश्चन आंसर सिर्फ 1 आया है, तो मुझे लास्ट 2 डिजिट लिखने के लिए इसको हम लिखना पड़ेगा 01। तो क्या आ गया 01 पावर 30 × 57। अब क्या करेंगे, वे भी कन्वर्ट हो गया आपका एक्स वाई फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एज इट इज रहेगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, तो 01 × 57। तो क्या आ गया इसे 57, इसका मतलब इस पूरे वैल्यू का आंसर क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट 57।
आई थिंक क्लियर है, उसने ही सेम वे में किए हैं इसको, लास्ट टू डिजिट लिखे हैं, पावर एडिशन लिखे हैं, बेस का लास्ट डिजिट 7 है इसलिए 4 से डिवाइड किए हुए हैं, तो इस फॉर्म में स्पेस कर दिए हैं, उसके बाद 4 को स्प्लिट किए हैं 2 × 2 में, पावर का 57 का स्क्वायर निकाले हैं 49 आया, लास्ट टू डिजिट 57 का स्क्वायर निकालेंगे लास्ट टू डिजिट 49 आया, इस 49 का स्क्वायर बन गया है, इसको हम सॉल्व किए हैं तो 01 आ गया, पावर 30 × 57 है, फिर यहाँ पे हम एक्स वाई फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल लें, फिर मल्टीप्लाई करके 57, मतलब इसका टोटल वैल्यू आया 57। इस वे में भी आपका 7 का क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मतलब 7 वैसा क्वेश्चन जिसका बेस का लास्ट डिजिट 7 है उसका आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब वैसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसका लास्ट डिजिट 9 है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसका देख रहे हैं लास्ट डिजिट 9 है, तो हम क्या देखे थे कि 9 का स्क्वायर करने पे, लास्ट का स्क्वायर करने पे 81 आता है, इसका मतलब इसका हमको मुझे पावर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम पहले तो हम 89 का लिख लेते हैं, 89 का पावर 1, 2, 3। अब हमको पावर को 2 से डिवाइड करना, मतलब इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 60 × 12, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 1 हो जाएगा 2, 1, तो क्या करेंगे हम पावर 2 करके लिखेंगे 61 × 89, मतलब 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 आ गया, 122 प्लस 1 हो गया 123, ठीक है। अब मुझे 89 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 90 − 11 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121, मतलब लास्ट नंबर से 21 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 21 का पावर 61 × 81। अब ये फिर से 1 वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया वाई, 2 × 1 2 हो गया, 21 × 89। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं, जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 81 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 89 × 9 का पावर 1 × 17, ये आ गया आपका 9 × 16 = 1। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ और, इसको जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं तक करके छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ लास्ट टू डिजिट, मतलब इसका लास्ट क्या आ गया 69, तो 69 का इसका हो गया आंसर। तो सेम वे में आप 9 का भी आंसर सॉल्व कर सकते हो, तो इसी वे में मेरा 3 बना है, 7 बना है, 9, मतलब 3, 7, 9 का फॉर्म सेम है। डिफरेंस क्या है कि मुझे जो पावर को डिवाइड करना है यहाँ पे, इस केस में 4 से करना है, इस केस में 4 से भी करना है, बट इस केस में 2 से करना है पावर को, बस बाकी प्रोसेस सेम चलेगा, और एक्स वाई का फॉर्मूला लास्ट में लग जाएगा फिर मल्टीप्लाई करना। तो आई थिंक इस फॉर्म से, इस नंबर से, मतलब इस वैसा नंबर इसका बेस इस नंबर से इंड हो रहा है, उसका पावर आप कितना भी बड़ा क्यों ना हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कि वैसा नंबर जिसका बेस का लास्ट डिजिट 2 से या 4 से या 6 से या 8 से ख़त्म हो रहा है, उसका कितना ही पावर क्यों ना हो, उसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन लास्ट 2 डिजिट निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप 2, 4, 6, 8 का सीखोगे, बाकी आपका